हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसी खुशी में हम मलाई सूजी केक बना रहे हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर एक आप बॉल ले लीजिए, उसमें आप दही ऐड कर दीजिए 1 कप भर के ही। आप अच्छे से फेंट लीजिएगा। फिर हम इसमें पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे, वो भी यही मेज़रमेंट है 1 कप भर के। हम वो भी ऐड कर दे रहे हैं, आप देख सकते हो ये पीसी हुई चीनी है, और ये भी अच्छे से फेंट लेंगे। ये हमने मलाई ले ली है, आप देख सकते हो ये फ्रेश मलाई है, और ये भी आप ऐड कर दीजिएगा इसमें। ये घर की बनाई हुई मलाई है, अगर आपके पास ये मलाई ना हो घर पे तो आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो इसमें, जो मार्केट से मिलती है। फिर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1 कप भर के ही, थोड़ा कम ही, आप देख सकते हो ये है मेज़रमेंट 125 ml, और वो भी हमने ऐड कर दिया। ये 1/2 कप है। केक बिना ओवन के, बिना कुकर के हम बना के दिखाने वाले हैं, सिर्फ कढ़ाई में ही। ये 2 कप ऑफ सूजी है, इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। मोटी सूजी रहने से आप पीस लीजिएगा मिक्सी में ही। फिर वो भी इसमें ऐड कर दीजिए सूजी, और अच्छे से मिक्स करते रहिएगा। थोड़ी थोड़ी डाल के आप अच्छे से मिक्स करते रहिएगा, कोई लम्स ना आए। आप देख सकते हो हमने अच्छे से फेंट लिया है, और इसे हम ढककर रख देंगे अच्छे से फूलने के लिए 10 से 15 मिनट। जो उसमें आप ऑयल डाल दीजिएगा और अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा पूरी कढ़ाई को। फिर आप देख सकते हो 10 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो ये हमने 1 स्पून भर के डाला है, छोटी सी टीस्पून जो होती है वो हमने भर के डाल दिया है, आप देख सकते हो। फिर ये है बेकिंग सोडा, और ये भी हमने इतना ही ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो, और अच्छे से फेंट लेंगे। उससे पहले हम फ्लेवर ऐड कर देंगे, ये बटर स्कॉच फ्लेवर हम ऐड कर रहे हैं इसमें, आप देख सकते हो ये बटर स्कॉच फ्लेवर है। बेकर्स का जो आती है शीशी, उसमें इसे ही हमने ऐड की है। थोड़ा सा ना ऊपर, फिर हम इसमें ऊपर से थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे, ये एक्टिव हो जाए इसलिए, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है सारे इंग्रेडिएंट्स को, हमने थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया था। जैसे कि आप सबको पता है मेरा 1K हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स, और हमने घर पे ही केक बनाया था क्योंकि बाहर पूरे लॉकडाउन चल रहा था, इसीलिए आप देख सकते हो। अब एक ही साइड फेंटते रहिएगा, दूसरे साइड सिर्फ क्लॉकवाइज करते रहिए, एंटी क्लॉकवाइज मत कीजिएगा। फिर ये देख सकते हो ये टूटी फ्रूटी है, जो मार्केट से मिलती है वही है, हमने थोड़ी सी ही ऐड की है क्योंकि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी सबको, जैसे कि आप सबको पता है कि ये टूटी फ्रूटी अगर हम बेस के डालेंगे तो बेस के नीचे सब बैठ जाएंगे टूटी फ्रूटी, इसलिए हम जो रोटी बनाते हैं वही आटा हम डाल के इसमें डालेंगे तो एक लेवल में रहेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। आप देख सकते हो हम डाल रहे हैं। ये हमने डाल दिया, जैसे हम फेंट लेंगे, देख सकते हो हमने बटर पेपर लगा लिया है। फिर ये बैटर हम डाल देंगे बेस पूरा, अब देख सकते हो हमने पूरा बैटर कढ़ाई में निकाल लिया है। आप अच्छे से डैब डैब कर लीजिएगा, और आप देख सकते हो यहाँ हम ऊपर से टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हैं वही आटा के मिक्स के साथ। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। जाके लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। हम हल्के हल्के से काजू बादाम पिस्ता भी ऐड कर रहे हैं इसमें, बादाम और पिस्ता, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये बिना पकाए हुए भी। इसे अच्छे से ढक्कन के साथ क्लोज कर दीजिए, लिड पूरा आप क्लोज रखिएगा, और आप गैस पर रख दीजिएगा, गैस एकदम मीडियम बहुत स्लो फ्लेम पर रखिएगा, और इसे 30 से 35 मिनट्स रख दीजिएगा ढक के ही।
अब देख सकते हो गाइस, ये ठंडा हो चुका है और ये अच्छे से बन चुका है। आप देख सकते हो गाइस, आप देख सकते हो हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है टूटी फ्रूटी से और बादाम से। ये बहुत अच्छा केक है और बहुत टेस्टी भी है। मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा तो हमारा